क्योंकि कचड़ा है, कचड़े में तो कुछ भी जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो कचड़ा है उसको प्रॉपर डब्बे में डालें और फिर प्रशासन आके उसको उठा के ले जाता है पूरे कचड़े को। अगर तो आप लोग सड़कों पे डाल दोगे तो वो बिखरता जाएगा, फैलता जाएगा और वापस आप लोगों के घरों के आसपास बिखरेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कूड़े को प्रॉपर डब्बे में डालें। आजकल हर जगह डब्बे लगाए गए हैं कूड़े कचरे के लिए, तो घर की सफाई करें, साथ साथ में देश की भी सफाई रखें। देश भी हमारा एक घर है, तो मेरी सब लोगों से यही विनती है, देशवासियों से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गंदगी ना फैलाएं और गौ माता को कूड़ा खाने पे मजबूर ना करें, क्योंकि हम लोग सड़कों पे गेर देते हैं तो आसपास की जो गौएं आती हैं वो उस कचड़े पे खाना शुरू कर देती हैं, तो बीमार होने के भी चांस होते हैं। उस कूड़े में ऐसी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो नहीं भी खानी चाहिए गौ माता को, वो खा लेती हैं गलती से। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि कचड़े को अलग अलग जगह रखें। अगर गीला कचड़ा है उसको अलग रखें, सूखा है तो उसको अलग रखें। जो खाने लायक चीज़ें होती हैं उनको गौ माता को आप अपने हाथों से खिला सकते हो, लेकिन कचड़े के साथ मिक्स करके मत खिलाएं। तो ये एक पाप भी है कि हम गौ माता को क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं। और गौ माता में तो आप लोगों को पता ही है साक्षात भगवान का वास होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कचड़े को कचड़े के डब्बे में ही डालें और इस वीडियो को मेरी पूरे देश में भेजने की कृपा करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नई वीडियो में आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करूंगा कुछ नई चीज़ें लाके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।